केंद्र सरकार ने एक नई योजना प्रारंभ की है, उसके अंदर सिलाई मशीन दी जा रही है। तो सभी जो आसपास के लोग हैं वो हमारे ई मित्र पे आए और फॉर्म भरवा ले। ये खबर इस समय बहुत ही ज़्यादा प्रसारित की जा रही है, जबकि वास्तविकता में ऐसी कोई योजना ही नहीं है। ये जो भी प्रसार ई मित्र कियोस्क कर रहे हैं या फिर CSCVLE कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। वास्तविकता में जो योजना है, उस योजना का जो नाम है वह नाम है PM विश्वकर्मा योजना। और इस योजना के अंदर 18 अलग अलग प्रकार के कारीगर व शिल्पकार आवेदन कर सकते हैं, जो कि 18 अलग अलग कैटेगरी हैं। जो आवेदन करेंगे उनको ट्रेनिंग के बाद, यानी कि आवेदन हो गया उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होगी, बेसिक व एडवांस ट्रेनिंग होगी। जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा अगर उनको टूल किट की खरीद करनी है, जिस भी कैटेगरी से वो आते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई लोहार है, कोई सुतार है, या फिर कोई दर्जी है, कोई नाई है, तो उससे संबंधित यहाँ पे जो उपकरण की खरीद के लिए 15,000 रुपये टूल किट योजना में दिए जाएंगे। तो बेसिकली योजना ये है। अब इस योजना का प्रसार ई मित्र कियोस्क इस प्रकार से कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने एक नई योजना प्रारंभ की है, जिसके तहत यहाँ पे आपको सिलाई मशीन फ्री में दी जाएगी और आप हमारे ई मित्र पे आए और फॉर्म भरे। तो ये गलत तरीके से इस योजना का प्रसार हो रहा था। तो इसकी जानकारी जब गवर्नमेंट के पास पहुंची तो यहाँ पे सभी CSCVLE को भी हिदायत दी गई है, जितने भी CSCVLE है उनको कम्प्लीटली हिदायत दी गई है कि आप किसी भी योजना का गलत प्रसार करके फॉर्म नहीं भरेंगे, अगर फॉर्म भरेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। इसके अलावा CSCVLE को ये भी हिदायत दी गई है कि आपने किसी को ऑपरेटर क्रिएट किया है और वह इस प्रकार का फ्रॉड कर रहा है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा आप अपनी ID किसी और को देते हैं और इस प्रकार का कोई फॉर्म भरता है तो कार्रवाई होगी। तो ये यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, तो हुआ ये है कि लोग ई मित्र कियोस्क व CSCVLE ने गलत प्रसार करके अपने आसपास के लोगों को ये कह के फॉर्म भरा लिए कि आपको सिलाई मशीन मिलेगी। अब जब बहुत सारे फॉर्म आ गए तो इसके 18 कैटेगरी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फॉर्म गए हैं वो दर्जी कैटेगरी में गए हैं। तो सरकार का ध्यान गया कि इतनी एक ही कैटेगरी में फॉर्म किस प्रकार से भरे जा रहे हैं। फिर इसकी जांच प्रारंभ हुई, जांच किसकी प्रारंभ हुई कि फॉर्म भरा उनकी जांच प्रारंभ हुई। तो जब उन लोगों के पास जो जांच अधिकारी पहुंचे, उनकी जांच करने की कोशिश की, तो पता लगा कि वो दर्जी कैटेगरी का काम ही नहीं करते, उनके कहीं पर शॉप आई हुई भी नहीं है, वो किसी भी प्रकार का काम नहीं करते, उनको सिलाई आती भी नहीं। उन्होंने ओनली लालच दिया CSCVLE ने और उन्होंने फॉर्म भर लिया कि हमें फ्री में सिलाई मशीन मिल जाएगी, हम पैसे ले लेंगे उससे सिलाई मशीन की खरीद कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है, ऐसे सिलाई मशीन नहीं मिलेंगी। जिसका भी आप फॉर्म भरेंगे उसके बाद उसकी जांच होगी 3 स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर जांच होगी। उसके बाद एक कमेटी इन फॉर्म को अप्रूव करेगी और अप्रूव के बाद उनकी ट्रेनिंग होगी, एडवांस लेवल की और बेसिक लेवल की दो ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके बाद उनको 15,000 रुपये का टूल किट योजना के तहत वाउचर दिया जाएगा और उस वाउचर को ले जाके वो कहीं पर भी इस्तेमाल करके जो जिस प्रकार के उपकरण खरीदने हैं, जिस कैटेगरी में वो आता है, वो खरीद सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो कारीगर हो या फिर किसी भी प्रकार का शिल्पकार हो, तभी वो आवेदन कर सकता है, जो कि 18 अलग अलग प्रकार की कैटेगरी हैं। तो यहाँ पे दैनिक भास्कर के अंदर भी न्यूज़ प्रकाशित हुई है, ऑनलाइन भी अलग अलग पोर्टल पे गलत तरीके से खबर फैलाई जा रही है, यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियो बने हैं जिसके अंदर गलत तरीके की जानकारी दी जा रही है। मैंने अगले वीडियो में भी आपको बताया था कि इस प्रकार की कोई योजना नहीं है, जो ये प्रसार किया जा रहा है वो PM विश्वकर्मा योजना का प्रसार इस नाम से करके आपको यहाँ पर बहकाया जा रहा है। तो अब आप समझ चुके होंगे, अगर आप सिलाई मशीन के लालच में आके फॉर्म भरना चाहते हैं तो नहीं भरना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। तो बाय बाय दोस्तों।